हेलो फ्रेंड्स, रेज टू हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर पे एक इलेक्ट्रिक बेल बना सकते हैं, जो कि बच्चों का स्कूल प्रोजेक्ट भी रहता है और कई जगह कॉलेजों में भी ये प्रोजेक्ट रहता है। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप घर पे एक इलेक्ट्रिक बेल बना सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे इस प्रिंसिपल पे काम कर रही है। इसको कैसे बनाएंगे, ये फुल प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आप भी इस किट को ख़रीदना चाहते हैं, घर पे बनाना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इस किट को अनबॉक्स करते हैं। ये देखिए, ये वो किट है जो मैंने मंगवाई है। ये देखिए, अगर आप भी इस किट को ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये इस किट के साथ में हमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस का मैनुअल मिला है, आप इसको पढ़ लीजिए। चलिए इस किट को अनबॉक्स करते हैं। इस किट में आपको इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रोजेक्ट रेडी कंडीशन में मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक बेल बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है और आप इसको घर पे कैसे बना सकते हैं। इस किट में भी हमें ये मैनुअल मिलेगा, जिस पर लिखा है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में किन किन आइटम्स का इस्तेमाल हुआ है और ये कैसे काम करती है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक बेस की ज़रूरत है, जिसके ऊपर हम इन सभी आइटम्स को फिट कर सकें। उसके बाद हमें 3 एल शेप की ब्रैकेट्स चाहिए, जिसके ऊपर हम इसकी प्लेट्स, कॉपर प्लेट और कॉपर पुली को हम इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद हमें एक इन्वर्टेड बोल्ट चाहिए और एक लॉन्ग नट बोल्ट चाहिए इसको फिट करने के लिए, जो कि बेल साउंड को प्रोड्यूस करेगा। अभी हमें एक मेटल पुली चाहिए, जिसके ऊपर कॉपर वायर रोल रहेगी। इस कॉपर वायर का एक एंड हमारा बैटरी स्नैप के एक एंड पर जाएगा और बैटरी स्नैप का दूसरा एंड क्रोकोडाइल क्लिप में कनेक्टेड रहेगा। इस बैटरी स्नैप को हमें 9 वोल्ट की बैटरी के साथ में कनेक्ट करना है। लेकिन ध्यान रखें, इस किट के साथ में हमें ये बैटरी नहीं मिलेगी, इस बैटरी को हमें अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसको परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्वर्टर बाउल को रिंग करने के लिए एक लॉन्ग स्टील ब्रैकेट का यूज़ किया गया है। ये लॉन्ग स्टील ब्रैकेट जो है, ये कॉपर प्लेट पर फिक्स रहेगी। कॉपर प्लेट का चौड़ाई वाला एंड सबसे कॉर्नर वाले सिंगल एल शेप ब्रैकेट पे फिक्स रहेगा और इसका कॉपर प्लेट का टेपर एंड जो है, ये राइट साइड वाली एल शेप ब्रैकेट के साथ में टच रहेगा। तो अभी जो आगे देखने वाली बात है वो ये है, ये देखिए, ये जो स्टील लॉन्ग स्टील ब्रैकेट है, ये इस तरह से लगाई गई है कि ये मेटल पुली और साइड वाली जो टेपर एंड है कॉपर प्लेट का, उन दोनों के सेंटर में है। और मेटल पुली का एक एंड जो है वो देखिए, इस पे एल शेप जो ब्रैकेट है राइट वाली, जिसके साथ में कॉपर प्लेट टच हो रही है, ये देखिए, जिसके साथ में कॉपर प्लेट टच हो रही है, इस एल शेप ब्रैकेट पे लगा हुआ है मेटल पुली का एक एंड। और दूसरा एंड मेटल पुली का जो है, वो हमारा बैटरी स्नैप पे लगा हुआ है। तो चलिए एक बार फिर से हम फास्टली इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें तो इसका एक बेस चाहिए और साथ में इन्वर्टेड बाउल चाहिए, 3 हमें एल शेप की ब्रैकेट चाहिए और साथ में हमें एक कॉपर प्लेट चाहिए और इसको फिक्स करने के लिए हमें नट बोल्ट चाहिए। कॉपर प्लेट का जो टेपर एंड है, ये हमारा राइट साइड की एल शेप ब्रैकेट में लगेगा और मेटल पुली की कॉपर वायर का भी एक एंड हमारा राइट साइड की एल शेप ब्रैकेट में लगेगा। दूसरा एंड उसका बैटरी स्नैप पे लगेगा और बैटरी स्नैप का दूसरा एंड क्रोकोडाइल क्लिप में लगेगा। यहाँ पर आप देखिए, जो लॉन्ग स्टील ब्रैकेट है, ये मेटल पुली और राइट साइड की एल शेप ब्रैकेट के सेंटर में रहेगा और साथ में हमें ये एक 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए, जो कि इसको ऑपरेट करेगी। इस बैटरी का परचेजिंग लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इलेक्ट्रिक बेल प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली ऑपरेट करके देखते हैं। तो इसको ऑपरेट करने के लिए हमें क्रोकोडाइल क्लिप को कॉपर प्लेट पे टच करना है। तो जैसे हम क्रोकोडाइल क्लिप को इस पे कनेक्ट करेंगे, तो ये देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक बेल प्रोजेक्ट बिल्कुल सही काम कर रहा है। और अगर आप भी इस प्रोजेक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से इसको परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।